गुड आफ्टरनून गाइस, टाइम हो रहा है दिन के एक और हम दोनों भाई निकल चुके हैं कोटा से बूंदी के लिए बूंदी उत्सव अटेंड करने। इस तरह के जो उत्सव हैं राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट हर साल करवाता रहता है अलग अलग सिटीज़ में, सो दैट जो फॉरेन के टूरिस्ट हैं उनको राजस्थान के कल्चर के बारे में पता लगे। अलॉन्ग दैट जो हम देसी लोग हैं और जो नई पीढ़ी है उनको भी तो ये कल्चर नहीं पता, तो उनको भी ये कल्चर पता लगे। अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से 2 साल से इस तरह के कोई भी भीड़ वाले कार्यक्रम ऑर्गेनाइज ही नहीं किए जा रहे थे और हमारे लिए पहला मौका था जब हम किसी ऐसे प्रोग्राम को अटेंड करें। तो हम सबसे पहले पहुंचे टूरिज्म ऑफिस, वहां से हमने टाइमिंग्स पता किए कि कब कौन सा प्रोग्राम होना था। काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ मिला और उन्होंने हमें काफ़ी कुछ बताया, कुछ डिटेलिंग दी, पोस्ट कार्ड्स दिए जिसमें सारी की सारी डिटेल्स थी। यहाँ पे सर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम्स सुबह 8:30 बजे से ही स्टार्ट हो गए थे जिसमें मूच प्रतियोगिता, दंगल ये सब था। हाय गाइस, जय माता दी। जय माता दी। हम आए हुए थे बूंदी उत्सव के लिए, आपको थोड़ा दिख पा रहा होगा मेरे को, बूंदी उत्सव ऑल द वे फ्रॉम कोटा हम आए हुए थे बूंदी उत्सव के लिए और हम थोड़ा सा लेट हो गए। आपको बता दें कि हम टीचिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो क्लासेस के लिए, और यहाँ पे हम आए हुए थे बूंदी पर्यटन ऑफिस, यहाँ पे सर हैं, उन्होंने हमें थोड़ा सा गाइड किया, बताया हमें कि कहाँ पे कैसा क्या होगा। थोड़ा सा हम लेट हैं, बाकी आपको ज़रूर बताते रहेंगे आगे का प्रोग्राम सारा का सारा। सर ने ये भी बताया कि जो अब नेक्स्ट प्रोग्राम है दीपदान का वो है 5 बजे, जो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे नवल सागर पर है। अभी हो रहा था टाइम 2:30 और हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटे बचे हुए थे, इसलिए हम यहाँ के लोकल लोगों से मिले और बूंदी को और ज़्यादा अच्छे तरीके से जाना। हम उस चीज़ को रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं थोड़े कैमरा शाही हैं, कैमरे के आगे आने से वो शर्माते हैं। और इसी बीच हमने यहाँ की पेंटिंग्स को भी इन्जॉय किया, यहाँ के बच्चों से बात करी जो वॉलेंटरीली ये सब पेंटिंग्स बना रहे थे। इसमें से एक जो पेंटिंग थी सेव अर्थ की, ये पर्सनली हम दोनों भाइयों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये डिज़ाइन क्यों बना रहे हो भैया? बूंदी दिवस है आज। अच्छा, आज है बूंदी दिवस। और फिर हम यहाँ से निकल लिए नवल सागर के लिए बूंदी की गलियों में से होते हुए। बीच में एक रिजॉर्ट भी पड़ा था और वहाँ पर भी हमारा कुछ एक्सपीरियंस रहा था, वो आपको बिहाइंड द सीन में मिल जाएगा। जो लोग भी कोटा से हैं उन्हें नवल सागर देख के लगेगा कि वो किशोर सागर तालाब की पाल पे चल रहे हैं, लेकिन ये उससे ज़्यादा खूबसूरत है कई मायनों में, क्योंकि यहाँ पीछे से दिखता है तारागढ़ फोर्ट जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है जब सूर्यास्त का टाइम होता है। हाँ जी, तो आ गए नवल सागर लेक पे, टाइम से पहले हैं और शायद प्रोग्राम अच्छा भी हो। यही वो जगह है जहाँ से शाम को दीपदान होगा और फॉर सेफ्टी पर्पस यहाँ पे एक लाइफ सेविंग बोट भी रखी गई है। दीपदान की तैयारियाँ जोर शोर से चल रही है, स्काउट गाइड के बच्चे अब फाइनली अपनी कुर्सियों पर बैठ गए क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करी है। ये जो आप देख पा रहे हो दीपक है, इनमें जो तेल भरा हुआ है, सारी मेहनत इन लोगों ने की है। इसी बीच एंट्री हुई हमारे फोक कलाकारों की, जिन्होंने अलग अलग गेटअप किया हुआ था। कोई सहरिया सॉन्ग पे परफॉर्म करने वाला था, तो कोई कच्ची घोड़ी पे, तो कोई चक्री डांस पे।
करवर से। करवर? करवर डिस्ट्रिक्ट बूंदी। अच्छा बूंदी से ही हो मतलब? हाँ बूंदी से। तो ये घोड़ी वाला कच्ची घोड़ी नृत्य करते हो? हाँ। अब जो आपको सामने डांस दिख पा रहा है यह है सहरिया स्वांग नृत्य। इसको परफॉर्म करती है सहरिया जाति। अब जब सहरिया जाति की बात आ गई है तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सहरिया जाति है ये आदिम जनजाति है राजस्थान की 12 जिले की, जो खासकर किशनगंज और शाहबाद में रहती है। और सहरिया जो शब्द है वो शहर से बना है, शहर बोल रहा हूँ मैं, शहर मतलब जंगल, ना कि शहर मतलब सिटी। ये फारसी शब्द है। इनके डांस की खास बात ये होती है कि इनमें कभी भी मेल और फीमेल एक्टर साथ में डांस नहीं करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ये जंगल की प्रजाति है, इसलिए जब ये कोई सॉन्ग वगैरह परफॉर्म करते हैं तो उसमें ये जंगल को ही, जंगली जीवों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे जो आपको सामने दिख पा रहा है, यहाँ पे जो ये येलो कलर के पर्सन है, आर्टिस्ट हैं, इन्होंने शेर या बाघ के जैसा ड्रेसअप किया हुआ है। और ये जो इन्होंने सर पे पहना हुआ है साफा, उसको बोलते हैं खफ्ता, और जो धोती जैसी पहनी हुई उसको पंछा बोलते हैं। तो चलो आओ इनकी एंट्री एंजॉय करते हैं। तो शानदार सहरिया नृत्य के बाद अब बारी आती है कच्ची घोड़ी नृत्य की। ये शेखावाटी एरिया का नृत्य है जिसमें जो मेल एक्टर होता है
वो बांस या कागज की लुगती से बना हुआ एक घोड़े को पहनता है और उसके साथ में होती है या तो एक एक्ट्रेस जो कि परफॉर्म करती है या फिर अनदर एक पर्सन होता है जो फिर से अगेन घोड़े पर होता है और वो किसी मॉक फाइट के सीन को रिहर्स करते हैं, ऐसा कुछ इसमें चलता है। लोक कलाकार कच्ची घोड़ी अब बारी आती है फाइनली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोक नृत्य जिसका नाम है चक्री नृत्य। आपको इसको देख के ऐसा लगेगा कि आप घूमर नृत्य को देख रहे हैं, पर इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि जो चक्री नृत्य है इसमें जो घाघरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और जो परफॉर्मर होती है वो घूम घूम के इस नृत्य को करती है ताकि लहरदार वो घाघरा दिखे। तो वो जो परफॉर्म कर रही है वो एक ऐसी फीमेल की तरह परफॉर्म करती है जो अपने पति से कंटिन्यूसली बोल रही है कि मुझे मेकअप का सामान चाहिए, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं पे। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। अब दीपदान चल रहा है यानी कि प्रोग्राम समाप्ति की ओर है और 9 बज चुकी है, हमें कोटा पहुँचते पहुँचते 10:30 बजेगी तो हमें निकलना चाहिए। मिलते हैं कल। हाँ 95 रुपीज़, 100 ही कर देते हैं यार। भैया